initiative. I knew the Beckenhams when they were here in India. So my parents were good friends, so I knew when it started. My father, Pratap Sharma, wrote a play about Gandhiji, Sammy. So there was a lot of connection because, of course, Gandhi Jayanti is when the walk and the run happened. And I'm here supporting Angel Express and all the wonderful NGOs. I think it's a fabulous platform to raise awareness and also to raise funds. I really believe that charity is anything you can give, whether it's time for some, whether it's money for some, whether it's skills, whether it's just raising awareness. So I think everyone should come, participate, take part. It's a great run, it's a great walk on Gandhi Jayanti. So it's a wonderful day to be out and about and celebrating everyone. So I would really encourage everyone to come and take part and raise awareness and funds for NGOs of your choice. Thank you. Kuch aur bolna? What about your show also? Season 3 of my show starts on Star World in November. So this season we have a lot of discussions on different parenting issues with celebrities and regular moms. So we've had Kajol, Shilpa, Juhi, Coco, lots of celebrity moms, lots of regular moms about all kinds of topics from children with special needs, raising awareness for child sex abuse awareness, to working moms, non-working moms, so all kinds of topics in the mother space. So it's come for me 4 years now, third season 3, so it's quite exciting. मैं इस एनजीओ के लिए नहीं बात करूँ, मेरा जो एनजीओ है वो उसका नाम है, मेरा नहीं खुद का, मतलब मैं जो सपोर्ट करता हूँ वो है टॉय बैंक। टॉय बैंक एक ऐसा एनजीओ है जो बच्चों को खिलौना देता है, तो यही एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पर म्यूजिक के अलावा हम दूसरे अलग अलग खिलौनों में देते हैं, टॉय लाइब्रेरी सेटअप करने का स्कूल में, और एक ऐसा भी इमोशन क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर लोगों को मौका मिले कि बच्चों को स्पेशली कि अपने पुराना खिलौना किसी और को दें। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन। नहीं, इस साल मैं नहीं भाग रहा हूँ, पिछले 2 साल से भाग चुका हूँ मैं फुटस्टेप टू फुट पे, लेकिन ये साल मैं नहीं भाग पाऊँगा, अभी मैं हूँ नहीं 2 अक्टूबर को मुंबई में। आज आपका क्वेश्चन हो गया है, चाहे आप ऐसे कह सकते हैं कि नवरात्रि की ऐसा फेस्टिवल आने वाला है, अभी गरबा का टाइम होने वाला है, तो दिस इज अ गुड स्टार्ट टू ऑल ऑफ दैट। नहीं यार, मैं तो सिर्फ झलक किया है मैंने, क्योंकि मुझे डांस बहुत पसंद है। आप देख रहे हैं कि आपके कैमरे के सामने भी ऑटोमेटिकली बदन हिल रहा है यहाँ पे जब म्यूज़िक बजती है, तो डांस मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन में डांसर हुआ करता था, तो उसी वजह से मैंने झलक किया। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से फियर फैक्टर कर लूँ, क्योंकि एडवेंचरस चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बिग बॉस ना, आई डोंट हैव दैट मच गट्स, सॉरी। सपोर्ट सबसे बड़ी बात यह है कि जब मन किया कि यहाँ जाना चाहिए, बहुत से एनजीओज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और सबसे बड़ा उसके ऊपर जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि बहुत सारे बड़े जॉइंट्स जो हैं हमारे कॉर्पोरेट लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके साथ में, तो उस छत के नीचे जहाँ इतने सारे लोग अच्छा करना चाहते हैं तो वो चीज़ ख़राब हो ही नहीं सकती, और ये सब जेन्युइन कॉर्पोरेट्स लोग हैं जो बहुत सारी सोशल काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो मुझे बेहद खुशी है कि ऐसे लोग साथ मिल के काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ वो भी अच्छा लगा, लेकिन सबसे मुझे मज़ा आया जो धारावी बैंड ने मेरे अंदर सुर डाल दिए, वो बड़ी कमाल की बात है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इन लोगों के साथ थोड़ा सा बैंड बजाया और ये कह रहे हैं सुर में बजाया, तो ये सब इन लोगों की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं इन सब बच्चों को कहूँगा कि मेहनत करो, ये मत देखो कि हमारे पास नहीं है, ये देखो कि हम क्या हासिल कर सकते हैं और आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए, एक आदमी आपके साथ जुड़ा, एक संस्था जुड़ी, तो उसने मोटिवेशन दे के आपका सोच बदल दी। बस आगे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है सबको, ग्रुप को, और इसी तरह लगे रहो पढ़ाई में, पहली पढ़ाई, उसके साथ साथ बाकी भगवान सुनो, ये बात को सुनो, हुनर तो है ही आप लोगों के पास, ये बजाने का हुनर तो है ही है, पढ़ाई का ध्यान रखो, फिर तुम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। कोई माई का लाल क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। ये जो धारावी रैप है, ये पूरा मतलब बजा रहे थे आप, तो कब से इन्हें सिखा रहे हो आप? अभी 3-4 साल हो गए जो मैं इन्हें सिखा रहा हूँ। तो हमने धारावी में ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जमा किए, ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है बस, जिसमें जनरली लोग पानी भर के रखते हैं या पेंट होता है या कुछ भी है, कोक का एम्प्टी कैन मिले तो उसमें राइस भर दो, शेकर बन जाते हैं। एंड उनमें अलग अलग तरह का टैलेंट है, कुछ ड्रम्स बजाते हैं, कुछ अच्छा गाना गाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़बरदस्त डांस करते हैं। तो इनका एक ये बैंड है जिसका नाम है धारावी रॉक्स, और अभी 50 से ऊपर शो कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, कर्श काले, अग्नि, इंडियन ओशन, IPL पे फीचर हुए थे, विशाल दलदानी के साथ हैप्पी न्यू ईयर करके मूव है, उनके उनके साथ रिकॉर्डिंग किया, ये बच्चे सब लोग सलमान खान को मिले हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब काफ़ी दूर जा रहे हैं, बस इसको जारी रखना है और बस मेहनत करनी है और बजाते रहना है, बिकॉज इससे क्या डिसिप्लिन एक आ जाता है, और जो डिसिप्लिन अगर आए तो दे कैन लर्न प्रॉपरली, आपकी सारी सीधी हो जाती है बिल्कुल अगर आप कोई डिसिप्लिन पकड़ लो। और डिसिप्लिन जो है उसमें सबसे बढ़िया चीज़ होती है स्पोर्ट्स, उसके बाद होता है म्यूजिक, तो दो चीज़ें तो ये हो गई। तो क्या होता है कि आप आपको मालूम है कि मुझे उठना पड़ेगा, गला का ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये जो डिसिप्लिन जब आपके अंदर चला जाता है ना, तो फिर आप पान की दुकान के पास खड़े नहीं होते, फिर आप सीधा दोस्तों के पास जाओगे, चलो यार कुछ करते हैं, कुछ बजाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लोगों ने सब दिया है, सब अच्छा आ गया, बहुत अच्छा आ गया, आपके गुरु भी कमाल के हैं, तो छोड़ना नहीं इसको, बस इस डिसिप्लिन को पकड़ कर रखना, ये तुम्हारी दिशा बनाएगा, ठीक है? केशी, एक आखिरी सवाल, 2 अक्टूबर को ये इवेंट होने जा रहा है, तो क्या आप भी इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं? मैं देखता हूँ मेरा क्या होता है, लेकिन मैं अपने बेटे को जाके इनकरेज करने वाला हूँ, मैं उसको कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आए और इनके साथ शामिल हो, जितना भी भाग सकता है, वो भी बहुत फिजिकल है, ध्यान रखता है एक्सरसाइज का, तो मैं उसे कहूँगा कि जाओ भाई पार्टिसिपेट करो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। और मेरी शुभकामनाएँ हैं इस ग्रुप को, और वैसे भी देखिए पैसा तो कमाना है, लेकिन शरीर नहीं है तो पैसा किस काम का, तो शरीर के डबल, शरीर पैसे से भी ऊपर हो जाता है कई बार, तो शरीर का भी ध्यान रखिए, पैसा भी कमाइए और डिसिप्लिन में रहिए, तो दुनिया आपके साथ में है गुरु। जी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, खुद से मैराथन है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे, और एक 10 किलोमीटर का रन भी है और 5 किलोमीटर का वॉक है, और बहुत सारे कॉपरेट जुड़ चुके हैं इसके साथ, बहुत सारे NGOs जुड़ चुके हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल जुड़ चुके हैं, तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि आएँ और इसमें हिस्सा लें, क्योंकि ना सिर्फ आपको एक मैराथन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, मज़ा आएगा, लेकिन आप एक बहुत अच्छे कॉज के लिए भी पैसे रेज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है keto.org, KETO.org, जिसका मैं को फाउंडर हूँ और हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे साइट पे आ सकते हैं और एक फंड रेजर शुरू कर सकते हैं, पेज शुरू कर सकते हैं अपना खुद का, बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसा कर चुके हैं, और आप अपने दोस्तों से बात करके, फैमिली से बात करके, अपने सोशल मीडिया के थ्रू पैसे रेज कर सकते हैं उस फंड रेजर पेज पे। तो मैं आशा करता हूँ कि लोग इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉज है। 2 अक्टूबर को आप दौड़ेंगे? जी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली 2 अक्टूबर को मैं नॉट इन टाउन, आई वुड हैव लव टू वॉक और रन, you know it's also very great because if you don't feel like running you can also do the 5 kilometer walk, so I would have loved to be part of this but unfortunately I'm not going to be here. Nahi yaar aapki chamak itni hai ki maine socha bhaiya pehen ke aa jate taki kya kuch kar rahe hain ji maine abhi ek picture khatam kiya jiska naam hai kaun kitne pani mein jisse direct kiya hai Neela Madhav Panda ne इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी IIM कलाम जो नेशनल अवार्ड जीती थी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है पिक्चर का बहुत ही यूनिक वर्ल्ड है ये वाटर की स्कैसिटी के बारे में लेकिन एट द सेम टाइम सटायर है तो एंटरटेनिंग है कॉमेडी है लव स्टोरी है तो बहुत रेयरली होता है कि आपको ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जो
ना सिर्फ कुछ कहने की कोशिश कर रही हो लेकिन लोगों को एंटरटेन भी करे। कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में, नहीं हम सब पानी में हैं। मैं खुद डूब रहा हूँ तो निकालने का सवाल नहीं पैदा होता। ओके, थैंक यू।